तो कैसी है मेरी SK28 की पब्लिक, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो यार सबसे पहले आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, मेरा सेकंड चैनल SK28 TV, उस पर न्यू वीडियो आ चुका है, तो इस वीडियो के एंड होने के बाद उस वीडियो को भी देखना और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो की, तो जैसा कि आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा शायद, तो यार टॉपअप इवेंट आ चुका है, उसमें आपको मिलने वाला एक पेट, तो वो पेट कैसा है क्या है वो सब मैं आपको आगे बता दूंगा। तो पहले हम उसको परचेस कर लेंगे, क्योंकि यार आपको इसका रिव्यू दूंगा मैं पूरा, मतलब एबिलिटी टेस्ट करके कि इसके बाद आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप अभी लेने वाले हो तो पहले इस वीडियो को देख लो, उसके बाद ही लेना। तो देखते हैं पेट कैसा है, तो यार फटाक से परचेस करते हैं और उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जिन लोगों को नहीं पता, तो ये आपको मिलेगा 300 डायमंड के टॉप अप करने पर, ये आपको क्लेम करने के लिए मिल जाएगा। तो यार हमने पेट परचेस कर लिया है, तो ये मेरी एडवांस सर्वर की आईडी है, रियल आईडी नहीं है, तो मैंने इसी पर ख़रीदा है, इसी पर टेस्ट करके देखेंगे। तो ये मेरी एडवांस सर्वर की आईडी है, बाकी आप देख सकते हो लुक वाइज जो ये पेट है वो सही लग रहा है देखने में, बाकी इसकी एबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो इससे हमको क्या करना है, पहले पेट सेक्शन पर जाकर इसका जो लेवल अप है वो करना है, और मैं आपको इसकी स्किन भी बताने वाला हूँ। मैंने सारी चीज़ इसको खरीद कर रख ली है पेट की, तो ये स्किन है इसकी, सॉरी ये इमोट है 4, तो जो कि नॉर्मल होते ही हैं। बाकी स्किन आप देख सकते हो, फर्स्ट वाली और सेकेंड वाली यार ज़्यादा सही लग रही है, और गाइस थर्ड वाली मतलब यार एकदम ओपी लग रही है। अब इसकी एबिलिटी आप देख सकते हैं, इसकी एबिलिटी ये है, आपके 30 मीटर के रेंज पर अगर कोई भी एनिमी मेड किट या फिर रिपेयर किट वगैरह यूज़ करता है तो वो स्पॉट हो जाएगा, मतलब आपको पता चल जाएगा सिर्फ 30 मीटर के एरिया में, और ये सिर्फ आपको पता चलेगा 5 सेकेंड के लिए, समझ रहे होंगे ना। 30 मीटर के एरिया में अगर कोई भी एनिमी मेड किट वगैरह यूज़ करता है तो आपको स्पॉट हो जाएगा एनिमी सिर्फ 5 सेकेंड के लिए, ओनली 5 सेकेंड के लिए आपको पता चल जाएगा। तो ये इसकी एबिलिटी है। तो इसके बाद हम इसको गेम पे ले जाकर देखते हैं गेम में कुछ किस तरह से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो क्लेश स्क्वाड वगैरह लगाता हूँ मैं, तो यार हमने CS लगा दिया और हमारे साथ है हमारा प्यारा सा पेट ड्रेकी, तो देखते हैं क्या होता है। मैंने एक दो गेम प्ले करा पर किसी में भी किसी बंदे ने मेड किट ही नहीं लगाई, क्योंकि हम एडवांस सर्वर पर खेल रहे थे, बाकी वो लोग आकर मार रहे थे या फिर मर रहे थे, पर मेड किट ही किसी ने नहीं लगाई। तो मैं आपको बता देता हूँ पर क्या होने वाला है इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कोई भी 30 मीटर के एरिया पर मेड किट लगाएगा तो ऊपर आपको मैप पर उस बंदे का जो स्पॉट हो जाएगा, मतलब आपको पता चल जाएगा वो बंदा वहाँ पर है सिर्फ 5 सेकेंड के लिए। तो इस टाइप की एबिलिटी होने वाली है, बाकी मैंने जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता दिया और ट्राई नहीं करा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाता, इसलिए मैंने फटाक से वीडियो डालने के लिए इतना ही बता दिया। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है इस एबिलिटी के अंदर। पास में बताता हूँ लेना चाहिए या फिर नहीं, तो अगर आपके पास ग्लू वॉल वाला पेड है तो आपको शायद नहीं लेना चाहिए, और अगर आपके पास ऐसा कोई पेड वगैरह नहीं है तो आप लेने का सोच सकते हो। तो आप समझ लो आपको लेना या फिर नहीं, बाकी 300 डायमंड के टॉप अप का है तो आपके पास डायमंड तो आ ही जाएंगे, बाकी आपके डायमंड तो खर्च नहीं हो रहे, तो लेना चाहे तो ले भी सकते हो आप। तो यार यही था वीडियो, थोड़ा छोटा है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं, बस आपको बताना था ये वाले पेट के बारे में, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो यार वीडियो कहीं पर एंड कर देते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो पर उससे पहले मेरा सेकेंड वाला चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, SK28 TV याद है ना, तो जाओ फटाक से सब्सक्राइब कर लो, जाकर वीडियो देखो, और अगर चैनल पर आज न्यू आए हो ना और अभी तक रुके हो वीडियो पर, तो यार सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, बहुत ज़्यादा बोल दिया। तो यार चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।